नमस्कार फ्रेंड, श्रीमती जी की रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज भोलेनाथ के मंदिर में गई हुई थी। आप देख सकते हैं मंदिर का पाट बंद हुआ है, सब लोग गाय माता को और बाहर से ही दर्शन करके निकल रहे हैं। रक्षा करें, कोरोना की वजह से सुबह सुबह माँ बेटी का हो जाएगा, मंदिर बंद है। देख अपने आप बोलने लगे। हम देख सकते हैं मार्केट में भीड़ लगी हुई है, फूल माला का दुकान बंद है, फूल माला की दुकान चालू करके रखा है। देख सकते हैं मैंने भाजी के मार्केट में आई हूँ, भाजी ले रही हूँ, धनिया का उसका फ्रेंड। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग का दृश्य दिखा रही हूँ आपको। मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ पर आज कुछ भी मार्केट ज़्यादा खुला हुआ नहीं था और मंदिर भी बंद था, इसलिए मैं मार्केट से आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा फ़ोटो लेने का कोशिश किया है। आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड, मैं मार्केट जाके आई, वहाँ पे एक मंदिर है भोले बाबा का, लेकिन वहाँ के जाने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाया और वीडियो निकालने के लिए थोड़ा मना कर रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है दूर का, दूर से। तो फ्रेंड, आज हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी दोस्तों को, और भोले बाबा सबको रक्षा करें, सबका अच्छा होए। और मैं अभी कुछ नाश्ता बनाने जा रही हूँ फ्रेंड, मैं आपको नाश्ता बना करके थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फ्रेंड, मैं अपने किचन में आ गई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने साबूदाने का बड़ा का पहले से ही सब बना के रखा था, बड़ा का मसाला सब बना के रखा था, क्योंकि मेरी बेटी को जाना था इसलिए बेटी को बना के दे दिया। और फिर मैंने सोचा मैं उपवास का आज व्रत का एक बड़ा का भी आपको दिखा दूँ। मैं आज ये देखिए बड़ा का टिक्की बना के ले ली हूँ। मैंने इसमें आलू, साबूदाना, सिंगदाना, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, सेंधा नमक और जीरा, बस इतना ही चीज़ मैंने डाला है। तो मैं अब इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। फ्रेंड, पहले भी मैंने निकाला था इसलिए आपको तेल में थोड़ा सा टुकड़े दिख रहे होंगे साबूदाना के, तो मैं इसको तल लेती हूँ। व्रत के दिन तो साबूदाने का बड़ा, सिंगदाने का और साबूदाने का ये सब बड़ा आज खाया जाता है फ्रेंड, इसलिए मैंने ये बनाया है। अभी
ये ब्राउन होएगा तो फिर मैं इसको पलटी करूँगी, हल्का हल्का सीख जाएगा, फिर मैं इसको पलटी करके निकाल के फिर आपको दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड, हमारे नीचे की तरफ के टिक्की मेरी सीख चुकी है और मैं अब इसको आराम से पलटी कर दे रही हूँ। साबुदाने का वड़ा खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, आप एक बार बना के देखिए। वैसे तो आप सभी लोग बनाते होंगे, फिर भी मैं आपको आज का उपवास का वड़ा बना के दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरे बड़े सीख चुके हैं, अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसी तरह और मैं दूसरे धान का भी इसमें सीखने के लिए डाल दे रही हूँ। बड़ा सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड, आप जैसे ही मीडियम आंच में इसे पकाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है और अंदर से बहुत अच्छा सीख जाता है, तो आप इसे मीडियम आंच में ही पकाइए। देखिए फ्रेंड, मेरा वड़ा बन के तैयार हो गया है, मैंने एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इधर मैंने धनिया और टमाटर की चटनी ली है, इसमें सेंधा नमक डाल के बनाया है फ्रेंड, और इसमें मिर्ची डाला है, हरी मिर्ची और लहसुन वसुन कुछ भी नहीं डाला है। तो देखिए आज का वीडियो मेरा कैसा लगा फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नए फ्रेंड जो हैं मुझे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।